गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एशियन इंडिया की सीरीज का चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। पहला सब पॉइंट है ट्राइबल एंड द पास्टोरल फेस। तो जो ऋग्वेद सोसाइटी थी वो प्रेमिनेंटली पास्टोरल पीपल या नोमैडिक पीपल की थी, एंड द चीफ वॉज पोजेशंस कंसिस्टेड ऑफ कैटल एंड द हॉर्सेस। उनके पास जो उनका चीफ था, उनका जो पोजेशंस होते थे ज्यादातर कैटल और हॉर्सेस के। जो टर्म काउ है वो अपियर हुआ है अराउंड 176 टाइम्स इन अर्लियर पार्ट ऑफ ऋग्वेद। जो कैटल होता था उसे सिनोनिम मानते थे वेल्थ का, मतलब पर्यायवाची मानते थे, सॉरी हाँ पर्यायवाची मानते थे वेल्थ का, और वेल्दी पर्सन को कहते थे गोमत, गाऊ कहते हैं ना उसको, तो गाऊ मत। राजा की मेन ड्यूटी क्या होती थी कि वो प्रोटेक्ट करे काऊ को, वॉज कॉल्ड गोपा और गोपति। काऊ वॉज सो इम्पोर्टेंट टू द फैमिली दैट डॉटर वॉज कॉल्ड दुहित्री, दुहित्र दैट इज वन हु मिल्स। वेदिक पीपल कॉल्ड द बफलो एज गोवाला और काऊ हाइड। बफलो को क्या कहते थे, भैंस को बोलते थे वैदिक पीरियड, गोवाला या काऊ की तरह बाल वाली, काऊ हेड। जो मेन इनकम होती थी चीफ ट्राइब के चीफ की वो आती थी वॉर के स्पॉइल से, जो भी वो कैप्चर्ड करता था, और बूटी जो मिलती थी एनिमी की इसे ट्राइब्स को, मतलब जीतने के बाद जो वहां से उसने पैसा जीता दूसरी ट्राइब से, वहां से होती थी इनकी इनकम। जो ऑफरिंग्स इसको रिसीव होती थी एज एन ट्रिब्यूट, इन्हें कहते थे बाली। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में आई डिस्कस दिस थिंग कि ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज इन टर्म्स पे जरूर ध्यान दें। द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द ट्राइब रिसीव्ड अ शेयर विच वॉज नोन एज अंश और भाग। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते थे ट्राइब के उनको भी कुछ शेयर मिलता था जिसको बोलते थे अंश या भाग। सेकेंड है एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ अपर ऑर्डर। तो सैक्रिफाइस करने की जो फीस होती थी, मतलब जो सैक्रिफाइसल सेरेमनी जो परफॉर्म होती थी उसकी जो फीस होती थी वो प्रीस्ट को दी जाती थी। पीजेंट्स के द्वारा फूड सप्लाई किया जाता था स्मिथ को, चैरिट मेकर्स को, कारपेंटर्स को, बट दे कुड नॉट कंट्रीब्यूट टू द राइस ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। ये फीचर जो था प्रोमिनेंट हो गया बुद्धा की एज में, इन द एज ऑफ बुद्धा दिस फीचर बिकेम वेरी प्रोमिनेंट। इस समय की सोसाइटी जो थी उन्हें मिटैलिक मनी का यूज नहीं पता था। द पीजेंट्री इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड एज फोर्स, मतलब बल। ये जो पीजेंट्री थी उसको लेटर वैदिक पीरियड में कहने लगे बल या फोर्स। अब वर्ण सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट की बात करें, द यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर क्राफ्ट एंड कल्टिवेशन क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिवली इगैलिटेरियन वैदिक सोसाइटी इनटू अ फुल्ली एग्रीकल्चर एंड क्लास डिवाइडेड सोशल ऑर्डर इन सिक्स सेंचुरी बीसी। जब ये आयरन टूल्स का इम्प्लीमेंट होने लगा क्राफ्ट और कल्टिवेशन में, तो इसने ऐसी कंडीशन बना दी कि सोसाइटी को जो है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर सोसाइटी बना दिया जाए, और उसमें काफ़ी सारे क्लास का डिवीजन भी हो गया कि कौन क्या काम करेगा वो, कब सिक्स सेंचुरी बीसी तक। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो थी वो एग्रीकल्चर में लाना शुरू कर दी गई और नई टेक्निक्स यूज करनी गई ताकि जो है लोगों को लाया जा सके कि वो काम करें इसमें एग्रीकल्चर लैंड में, और कई सारे नंबर ऑफ स्लेव्स भी इसमें लाए गए और हायर्ड लेबर्स भी लाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़ सके। जो मेंबर्स थे तीनों वर्णों के वो डिस्टिंग्विश होते थे आपस में रिचुअली फ्रॉम द दोज ऑफ द फोर्थ वर्ण। ये जो चौथा वर्ण था शूद्रास, इसको हमेशा से ही बहुत अलग आइसोलेट करके रखा गया है, ये हमेशा सर्व करता था बाकी के तीन वर्णों को। द टॉयज बॉर्न, टॉयज बॉर्न का मतलब हुआ कि मतलब जब जनेऊ पहनाया जाता है ना ऊपर की तीनों कास्टों को, ब्राह्मण क्षत्रिय और आपका वैश्यास को, तो कहते हैं कि उनका दूसरा जन्म हुआ है ना, जो कि शूद्रास को इस चीज़ का हक नहीं था ये करने का। तो टॉयज बॉर्न इसलिए इसको टॉयज बॉर्न कहते हैं, जो टॉयज बॉर्न है वो एंटाइटल्ड टू वैदिक स्टडीज, ये सब पढ़ सकते थे वैदिक स्टडीज और सैक्रेट थ्रेड, मतलब ये जनेऊ पहन सकते थे, लेकिन जो फोर्थ वर्ल्ड था शूद्रास इसको इनसे दूर रखा गया था। इसलिए जो टॉयज बॉर्न थे इन्हें सिटीजन्स कहा गया था और शूद्रास को नॉन सिटीजन्स कहा गया था। बहुत डिस्क्रिमिनेशन था उस समय, तब से शूद्रास से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करा गया है उनको।
और ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू टेक अप लॉ, फील्ड में नहीं जाएंगे, वो ब्राह्मण्स हैं, ऊपर की कास्ट है। ब्राह्मण्स वर रिक्वायर्ड टू पे 2% इंटरेस्ट ऑन लोन, क्षत्रिय 3% एंड वैश्यास 4% एंड शूद्रास 5%। तो मतलब अगर ब्राह्मण कोई लोन लेता है तो उसे 2% इंटरेस्ट देना है, और क्षत्रिय 3%, वैश्या को 4 और शूद्र को 5। तो जैसे जैसे कास्ट नीचे जाएगी वैसे वैसे लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को भी खत्म करा अपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।